यहाँ पे काजू आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे। उड़ीसा फेमस है काजू के लिए। यहाँ पे काजू की काजू का मार्केट, नारियल पानी का मार्केट, ये कोणार्क मंदिर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे सब चीज़ काफ़ी सस्ती है, वो ट्रेडिशनल बैग, कैप, हैट, पर्सेस, शेल के आइटम्स, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। जब जलपथ में आए थे समुद्र के अंदर जो बिजनेस करने, तो 54 टन के मैग्नेट का पावर इतना तक था कि चिल्ला दिया जहाज को किसके तोड़ दिया। ये जानबूझ के बड़ा बड़ा डायनामाइट टीम की प्लानिंग करके मेन बस हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर फिफ्थ डे ब्लॉग। एंड आज हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। एंड यहाँ का एक गंदा सिस्टम ये है कि आप लोगों को 7 बजे ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई और स्नेहा है अभी बाथरूम में। एंड हम लोगों का कपड़ा पूरा फैला हुआ है, देखिए हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। एंड आज मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग जरूर बताइएगा। एंड आज हम लोग जाएंगे कोणार्क टेम्पल घूमने, एंड उसके लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। एंड आप लोगों को मैं आज कोणार्क दर्शन करा देती है तो की बात है। एंड यहाँ पे हम लोग लवारिस के जैसा वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। ये रेशमिया 7 बजे चेकअप कौन करके देता है, नींद भी कम्प्लीट नहीं हुआ। रोड देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना ग्रीनरी, वाव, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए भी कितना सुंदर दिखेगा, सो गुड। एंड हम कोणार्क टेम्पल पहुँच गए हैं, धूप में हम लोग चल के जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। बहुत ज़्यादा धूप है एंड आप लोगों को एक जगह पे पार्किंग करके फिर जाना पड़ता है। सो अभी उड़ गया। उड़ीसा फेमस है काजू के लिए। यहाँ पे काजू की काजू का मार्केट, नारियल पानी का मार्केट, ये कोणार्क मंदिर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे सब चीज़ काफ़ी सस्ती है, वो ट्रेडिशनल बैग्स, कैप, हैट, पर्सेस, शेल के आइटम्स, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। घूमते घूमते भूख लग गई तो हम लोगों ने लंच कर लिया, हल्का फुल्का कुछ कुछ खाया। देन उसके बाद अभी चलिए चलते हैं अंदर कोणार्क के। एंड ये रहा कोणार्क का गेट। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। एंड अंदर ओ माय गॉड, व्यू इतना अच्छा था। इतना धूप होने के बाद भी बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। एंड ये देखिए कितना क्यूट जेस्चर, कितना अच्छे से अंकल फ़ोटो खींच रहे हैं। एंड उसके बाद टिकट लेने गए, टिकट 10 रुपया का था फॉर इंडियंस एक्चुअली। देन उसके बाद अभी चलिए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, हो रहा वही है कोणार्क टेम्पल। सो लेट्स गो इनसाइड गाइस। एंड ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये 13th century में बनाया गया था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। एंड यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड अट्रैक्शन जो है वो है यहाँ का व्हील। यहाँ पे 16 व्हील्स है एंड इस व्हील में एक एक बारीकी से, मतलब कारीगरी हाथ से बनाया गया है। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब पत्थर काट 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 के, मतलब यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। एंड हर एक मतलब डिज़ाइन में मतलब कुछ कुछ मिस्ट्री है, कुछ कुछ हिस्टोरी है। एंड चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को मैं दर्शन करा देती हूँ कोणार्क सन टेम्पल का, जो कि पूरी से 2 घंटे की दूरी में है।
एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये, वन ऑफ द टूरिस्ट एट्रैक्शन प्लेस है इंडिया में। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर मेरे चैनल और ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यहाँ से है एग्जिट, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे स्नेहा पूरा हो गई है टायर्ड, पूरा सन हम लोगों के ऊपर और हम सन के नीचे। एंड ये आप लोग जा रहे हैं वापस।